ये यामा RX 100 का साइड कवर है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक टिप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जनरली लोग ये लोग चेंज करते रहते हैं RX 100 का लोगो, और कई लोग इसके फ्लैप को भी चेंज करते हैं, एक्सेसरी को। उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर 3 लॉक्स दिए होते हैं जो कि आयरन के होते हैं और बाद में वो जंग खा जाते हैं विद इन 1 ईयर। इधर भी एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड पत्ती लगी होती है जो कि जंग खा जाती है। अगर आप शुरू में ही उसको हटा देंगे तो ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। इसमें मैंने रबड़ के कुछ गास्केट लगा दिए हैं, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में मिल जाएंगे। इसमें एक होल होता है और इसके अंदर जो है आप कोई भी वायर को डाल सकते हैं, लेकिन आप वायर की जगह इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ग्रिप में होता है और इसको अगर कहीं से भी ये लूज़ होता है तो आप इसको बोन फिक्स से जाम कर सकते हैं। ये इजीली निकल सकता है बाद में, और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ये टाइट रखता है। इसके अलावा बहुत से लोगों के कवर के ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये टूट जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि इसमें जो लगे हुए रबर हैं ये घटिया क्वालिटी के होते हैं जो क्रैक कर जाते हैं। आप इसको अच्छी क्वालिटी के लगाइए, और सबसे पहले उसमें आप इसके अंदर ग्रीस लगाइए, ग्रीस या ऑयल। उसको लगाने के बाद ये देखिए बहुत स्मूथली अंदर चला जाता है और यहीं से ये कवर टूटते हैं। अगर आपने इस प्रोटेक्शन को अपनी मोटरसाइकिल में भी अप्लाई किया तो आपके फ्लैप कवर्स जो लॉन्ग लाइफ चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।